मुजफ्फरनगर में पुलिस ने 24 घंटे के अंदर एक चोरी की सफल अनावरण करते हुए दो शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया, जिसके पास से पुलिस ने चोरी की गई 1,00,000 रुपए की जेवरात बरामद की है। दरअसल बता दें, कोतवाली क्षेत्र के सुजडू गांव स्थित मोहल्ला खालसा पट्टी दो दिन पूर्व 15 सितंबर को देर रात अज्ञात चोरों ने एक मकान पर अपना निशाना साधते हुए 1,00,000 रुपए की जेवरात लेकर फरार हो गए। मकान मालिक किसी काम से परिवार सहित बाहर गया हुआ था, उसी दौरान ही चोरों ने घटना को अंजाम देकर मौके से बेखौफ होकर फरार हो गए। प्राइम मेगा न्यूज चैनल के लिए खास रिपोर्ट, पवन अग्रवाल, मुजफ्फरनगर। ये थाना कोतवाली नगर क्षेत्र में 16 तारीख को सुजड़ू में खालसा पट्टी एक मोहल्ला पड़ता है, वहाँ पे एक घर में चोरी हो गई थी। मीर हसन ये लोग घर से बाहर गए हुए थे और पीछे से चोरों ने चोरी कर ली थी। तो इसका 24 घंटे में थाना कोतवाली की पुलिस ने सफल अनावरण किया है और 100% माल बरामद किया है। इसमें दो लोग फरदीन पुत्र नौशाद और मोहम्मद अल्ताफ, दोनों ही सुजड़ू चौकी क्षेत्र के रहने वाले हैं। इन दोनों ने ये चोरी की थी और इन्हीं से सारा माल भी रिकवर हुआ है। अभी तक इनका कोई पुराना आपराधिक इतिहास अभी सामने नहीं आया है और दूसरे जनपदों में भी जानकारी की जा रही है। अगर इनका कोई आपराधिक इतिहास आता है तो जो वादी ने बताया था, लगभग 5,00,000 का इनका माल था, वो 100% हमने बरामद किया। इनके अभी तक जो जानकारी आई है, पुराना कोई आपराधिक इनके मुकदमा है नहीं और अभी जानकारी कर रहे हैं कि अन्य जनपदों में इन्होंने कोई चोरी की घटना की है तो उसकी भी जानकारी कर रहे हैं। और इनसे जैसा कि मैंने बताया 100% माल बरामद हुआ है और अपने मुख्य कार्रवाई भी करेंगे। ओके, चोरी कैसे?